नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्जित हुई व सपा कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे का मौन व्रत रखा है। आपको बता दें कि आल्हा चौक स्थित अंबेडकर पार्क में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सूबे की सरकार के खिलाफ 2 घंटे का मौन व्रत सत्याग्रह किया गया। सूबे में बिगड़ी कानून व्यवस्था और किसान विधेयक बिल समेत प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर में हुए बलात्कार को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत सत्याग्रह कर योगी सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्राण सिंह यादव सहित महाराजा चरखारी जयराज सिंह जुदेव समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज गांधी जयंती में जो है 2 घंटे का मौन व्रत रखा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जो है आदेश के पालन करते हुए हम लोगों ने जो है मेन मुद्दा अपना ये रहा कि एक तो जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जो देखा जा रहा है और हाथरस कांड बलरामपुर में जो कांड हुआ है बलात्कार हुआ है उसके खिलाफ बेरोजगारी जो है ऐतिहासिक बेरोजगारी हो रहा है और कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रहा है और जो है किसान विरोधी सरकार का जो किसान विरोधी जो बिल पास किया गया उसके विरोध में भी जो है हम लोग ने प्रदर्शन किया जी। जो हाथरस कांड हुआ था और ये जो बलरामपुर कांड हुआ उसमें कैंडल मार्च निकलाया गया था हम लोग का जिला अध्यक्ष जो है श्री अमित किशोर जी द्वारा। इसमें जो ये पहले तो ये मांग था कि जो है आपने एंटी रूमर स्क्वाड तो बनाया है लेकिन एंटी रूमर स्क्वाड जो है आपका काम नहीं कर रहा और उसके उसमें तो और बलात्कार बढ़ रहा है और पुलिस प्रशासन जो है गलत लोग को परेशान कर रहे हैं और जो जिन 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 दोषी लोग हैं और जो आपराधिक लोग हैं उनको दंड नहीं मिल पा रहा और वो खुलेआम घूम के जो है एक बलात्कार कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या चाहते हैं, इसके क्या कोई अपील करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से आप? जी हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि पहले तो जो योगी जी है उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री कामयाब नहीं है प्रदेश में हादसे के ऊपर हादसे हो रहा है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो इनने जो है सपाई के ऊपर भी जो जो सपा जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जो है डंडा से मारा जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, तो ये लोकतंत्र कहाँ चला गया? लोकतंत्र में हम लोग का अधिकार है विरोध करने का, विपक्ष को अधिकार है, तो उनको दबाना आवाज को दबाना नहीं चाहिए। कानून बोलेंगे क्या कहना चाहते हैं कि इस पे क्या किस तरीके का कानून बने हो, कितने दिनों के अंदर इसमें दोषियों को सजा मिलनी चाहिए? कानून तो ऐसा बनना चाहिए कि कम से कम जो जो ये जब ये गंभीर मामला जो होता है उनमें 1 साल के अंदर जो है अपराध को दंड मिलना चाहिए और जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जो है इनको अपराधी को दंड मिलना चाहिए।